मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कपिल शर्मा का फेसबुक पे स्टेटमेंट है। हाल ही में खबर उड़ी थी कि कपिल शर्मा ने अपने ही जो कलीग है सुनील ग्रोवर, जिसे हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से उनके कैरेक्टर को देखते हैं पसंद करते हैं, और उनको सुनाया, उनको काफ़ी कुछ सुनाया, उन्हें यहाँ तक कहा कि तू मेरा नौकर है, इस तरह से खबरें आ रही थी और झगड़े वगैरह थे और सुनील ग्रोवर के बीच में। और ये झगड़ा मीडिया ने रिपोर्ट किया, 2 दिन पहले से रिपोर्ट करना चालू किया, और बहुत ही ज़्यादा ये जब हाई हो गया, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने लगे, बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगे इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को लगा कि इस पे मैं अपनी सफाई दे देता हूँ। तो कपिल शर्मा जो हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सभी के साथ में, गिनी चक्रथ नाम है उनका, और इतनी खुशी के बीच में ये न्यूज़ ज़रूर उन्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी। आखिर क्या कहा उन्होंने सुनील ग्रोवर के लिए, आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 1 to Z लाइन पे। आप हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी सेलिब्रेटिंग मिस्टर माय बेस्ट टाइम, अच्छा वी वॉज सेलिब्रेटिंग माय बेस्ट टाइम, मतलब अपना बेस्ट टाइम सेलिब्रेट कर रहा था। आई हर्ड इन न्यूज़ अबाउट मी एंड सुनील पाजी, यानी सुनील ग्रोवर के और मेरे झगड़े के बारे में मैंने न्यूज़ पता करी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज इट कम फ्रॉम, वॉट आर द इंटेंशन बिहाइंड दिस, मतलब ये न्यूज़ कहाँ से आई, इसका इंटेंशन क्या है। इफ आई फाउट विथ हिम इन द फाइट फ्लाइट देन हु से एट एन इन्फॉर्मेड, मतलब उनका कहना है कि अगर मैं फ्लाइट में फाइट की है तो कौन है आपको बताने वाला, कौन है वो सोर्स, ऐसा कपिल पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है इफ ही इज ट्रस्ट वर्थी, अच्छा सम पीपल इंजॉय दिस काइंड ऑफ स्टफ, वी ईट टूगेदर, वी ट्रेवल टूगेदर, आई मीट माई ब्रदर वंस इन ईयर एंड स्पेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे विथ माई टीम। इनका कहना है कि वो अपने भाई को भी सिर्फ एक ही बार मिल सब टीम के साथ रहते हैं, यानी कि सुनील ग्रोवर बाकी जो और भी जो इनके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ ही रहते हैं बाकी वक्त, उनका कहना है। और आगे देखते हैं क्या बोला उन्होंने, स्पेशल एंड स्पेशली सुनील, मतलब उन्होंने सिर्फ सुनील के बारे में अब जिक्र किया है। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, येस आई हैड एन आर्ग्यू विथ हिम, बट आर वी नॉट नॉर्मल पीपल, बोले आर्ग्यू वगैरह तो होता ही रहता है, क्या हम नॉर्मल पीपल नहीं है, नॉर्मल अगर जिंदगी जी रहे तो कभी ना कभी आर्ग्यूज होता ही रहता है जिनके साथ हम रहते हैं बात करते हैं। और उन्होंने आगे क्या लिखा है कपिल ने, और आई शाउटेड एट हिम फर्स्ट टाइम इन 5 years, 5 साल में उन्होंने पहली बार शाउट किया है, ऐसा वो कह रहे हैं, यानी कि कपिल शर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में पहली बार सुनील ग्रोवर के ऊपर चिल्लाया है, या मतलब शाउट किया है, वो एक ही बात हुई। इतना तो चलता है भाई, वी आर स्टिल एंड टॉक, दैट्स वी आर दैट वेयर इज द प्रॉब्लम। उसके बाद कहा है कि शाउट जरूर हुआ, उसके बाद भी हम लोग बात कर रहे हैं, घूम रहे, हंस फिर रहे, तो प्रॉब्लम आखिर क्या है। आई लव हिम एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन बींग, ही इज लाइक माई एडर ब्रदर, उन्होंने साथ में और तारीफ करते हुए कहा कि वो भी मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे बड़े भाई की तरह है, तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो चिल्लाने का सवाल कहाँ आता है, राइट। वाई सो मच नेगेटिविटी ऑल द टाइम, आई रिस्पेक्ट ऑल मीडिया, देर आर सम अदर सीरियस इशू विच यू नीड टू फोकस, मतलब मेरे चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आई थिंक मीडिया के पास बहुत बड़े बड़े इश्यूज है, आई थिंक उन पे ध्यान देना उन्हें चाहिए, ना कि इस मुद्दे पर, यानी कि ये छोटी मोटी चीज़ों का कपिल शर्मा का कहना है। उसके बाद कपिल शर्मा ने और कहा है इट्स मी एंड सुनील इशू, इट्स सो इम्पोर्टेंट रियल एंड रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब इन्होंने ये कहा है क्या हमारा मुद्दा क्या देश के बाकी मुद्दों से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर रेदर देन अवर फैमिली, उनका कहना है कि हम लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं, एंड समटाइम इट हैपन्स इन फैमिली, इन अवर फैमिली मैटर वी विल शॉर्ट दिस आउट, तो ये सब होता रहता है फैमिली मैटर्स में, छोटी मोटी चीज़ें तो हम लोग खुद ही मिलकर इसे सॉल्व कर लेंगे। और उसके आगे लिखा है कि ज़्यादा मज़े मत लिया करो, मतलब पब्लिक को शायद कह रहे हो, ओके नाउ आई एम टायर्ड टाइपिंग, बोले मैं, हाँ वो तो पता ही आपको, एंड एंड वन मोर थिंग, आई एम गोइंग फॉर द फाइनल शेड्यूल ऑफ फिरंगी, यानी एट द एंड उन्होंने अपनी फिल्म फिरंगी की तारीफ कर दी जिसका फाइनल शेड्यूल वो शूट करने, मतलब एक्टिंग करने जा रहे हैं। सॉरी अगेन प्रमोशन, थैंक यू सो मच फॉर लव ब्लेसिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, ऑलवेज लव यू ऑल। तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा ने अपना स्टेटमेंट दिया है, अब देखते हैं इस पूरे मामले में सुनील ग्रोवर ने चुप्पी साधी है, सुनील ग्रोवर किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उनके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आई थिंक, अब देखते हैं क्या निकल के सामने आता है। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पता चली तो आपको ज़रूर बताऊँगा, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।